हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वी आर रीडिंग टुडे द फिफ्थ चैप्टर इंडिगो एंड एज यू नो दैट वी हैव रीड टू और थ्री पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर एंड टुडे रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ विल रीड. ओके, so continue the chapter. The news of Gandhiji advent and for the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. अब हुआ क्या कि गांधी जी जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, एडवेंट का मतलब होता है आगमन, ठीक है. एक और इसी का हमारा जो एंटोनिम होता है, यानी कि अपोजिट वर्ड जो होता है उसको हम डिपार्चर बोलते हैं ना. डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान करना. तो डिपार्चर का मतलब प्रस्थान हो गया और एडवेंट का मतलब होता है आगमन. तो जैसे ही गांधी जी का आगमन हुआ और उनका जो ध्यान रखना जो मिशन था, यानी कि उनका जो मेन मकसद था जो काम करने का, वहाँ आने का जो मिशन था, ठीक है, अब क्या हुआ, शीघ्र ही पूरे के पूरे मुजफ्फरनगर में फैल गया और चंपारण तक भी ये बात फैल गई. मुजफ्फरपुर से लेकर और चंपारण तक ये बात पूरी तरीके से फैल गई, गांधी जी के आने का उद्देश्य भी और गांधी जी के आने का समय जो तय था और जिस समय पर वो आए उस समय के बारे में सभी को पता लग गया. शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट बाई कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन. अब हुआ क्या, जो चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो किसान बटाईदार थे, वो ऑन फुट गांधी जी के पास आए, पैदल चलकर गांधी जी के पास आने लगे ताकि वो क्या कर सकें, यानी कि अपने जो नेता हैं, यानी कि अपने जो चैम्पियन हैं, यानी कि जो विजेता होने वाले थे, उनको देखना चाहते थे कि वो कैसा दिखाई देता है, उनसे भेंट करना चाहते थे, उनसे कन्वेंस करना चाहते थे. ओके, मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट. दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस. और मुजफ्फरपुर के वकील थे, तो उन वकीलों ने गांधी को उन्हें भाषण देने से मना कर दिया कि वे हैं जो कोर्ट में कृषक के समुदाय के जो प्रतिनिधि बन रहे हैं, जो एक रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं किसानों के, उन्होंने उन्हें केसों के बारे में बताया कि भाई ठीक है सर, ये केस है और आपको इसे देखना है, आप किस तरीके से इसको देखना चाहते हो. और उन्होंने कहा सर आप अपनी फीस भी बता दो, आप क्या फीस लेना चाहोगे. गांधी जी से कहा उन्होंने, ठीक है, देखिए आगे क्या होता है, गांधी जी पैसे लेते हैं कि नहीं लेते. गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फॉर द शेयर क्रॉपर्स. ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लो कोर्ट्स. अब गांधी जी ने जो बटाईदार थे उनसे फीस वसूलने के लिए वकील थे, उनको फटकार लगाई, क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने, मतलब क्या इस तरीके की, क्या फीस वाजिब होती है, क्या फीस लेना जायज होता है. और मैं इस कंक्लूजन पर आया हूँ, मुझे ये बात समझ में आई है कि हमें जो है न्यायालयों में, यानी कि कोर्ट्स में जाना छोड़ देना चाहिए. हमें तो कोर्ट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको पता था कोर्ट में गए वकीलों के चक्कर काटने पड़े. वकीलों के चक्कर काटोगे तो आपको पता ही है वकील क्या करते हैं, पैसे खाने के अलावा कुछ नहीं करते. ऐसा है क्या, ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं शायद उस समय देखने को हमें मिलती थी, इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है देखने को मिलती थी. अब ऐसा है या नहीं है इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ट एंड फियर स्ट्रिकन. लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस. द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर. ओके, अब गांधी जी ने क्या बातें कही,
कि ऐसे केस को कोर्ट में ले जाना कोई हमारे लिए विशेष काम नहीं है, हम कोई विशेष काम नहीं करेंगे अगर कोर्ट में इस केस को लेकर चले गए तो। जहां किसान इतने मतलब बिलो यानी कि बिलो कास्ट जिसको हम समझते हैं, लोअर कास्ट समझते हैं और भयभीत भी लगते हैं, और बात करें तो उनके लिए तो कोर्ट में जाना बेकार होता है, यानी कि जो लोग क्या करते हैं डरते हैं, और जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए तो न्यायालय बेकार है, और उन्हें अगर वास्तव में रियल रिलीफ चाहिए तो उन्हें अपने आप को डर से स्वतंत्र करना होगा। किससे? डर से स्वतंत्र करना होगा, डर को उनको भगाना होगा, ये ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाई इंग्लिश मैन एंड वर्कड बाई द इंडियन टेनेंट्स। ओके, और ये ध्यान रखना कि चंपारण जो क्षेत्र होता है, चंपारण की जो ज़मीन है, अरेबल वाला एरिया जो है, अरेबल लैंड वाला एरिया, या अरेबल का मतलब होता है जो क्षेत्र पूरा चंपारण क्षेत्र का है, यानी कि पूरा जैसे चंपारण है और ये पूरा इलाका जो है चंपारण में आता है, तो ये चंपारण क्या हो गया, जनपद हो गया पूरा एक, ठीक है, पूरा मतलब जनपद। उस समय के बड़े राज्य हुआ करते थे, बड़े राज्यों को जनपद के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो पूरा जो चंपारण क्षेत्र आता था, चंपारण जो जनपद आता था, उसकी जो मोस्ट ऑफ जो भूमि थी, मुख्य जो भूमि थी, ठीक है, और हम बात करें कैसी भूमि, बड़ी भूमि, और वो भी कैसी जो कि उपजाऊ भूमि हो, ठीक है। तो बड़ी बड़ी अंग्रेजी जो रियासत में बटी हुई है, बटी हुई थी, कौन, यानी कि चंपारण क्षेत्र की जो अधिकतर जो फर्टिलाइज जो हमारे पास लैंड थी उस समय की, वो बड़ी बड़ी अंग्रेजी रियासतों में बटी हुई थी, और जिन पर भारतीय कृषक जो हैं, भारतीय जो किसान थे हमारे, वो काम करते थे, और वो किसके अधीन चली गई, अंग्रेजों के अधीन चली गई, मतलब ज़मीन किसानों की, लेकिन कब्जा किसका, अंग्रेजों का था, ठीक है। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और वहाँ पे जो मुख्य वाणिज्यिक जो फसल हुआ करती थी, कॉमर्शियल का मतलब वाणिज्य, क्रॉप मीन्स फसल होती है, तो मुख्य जो वाणिज्यिक फसल यानी कि व्यापार के उद्देश्य हेतु जो वहाँ पे फसल थी वो थी नील की खेती, यानी कि इंडिगो की खेती, इसकी नील की खेती, ध्यान रखना, नील की खेती मुख्य खेती के रूप में जानी जाती थी। ओके, ध्यान रखें इस बात का। अब देखना नेक्स्ट क्या है, द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और अब भूमि जो मालिक थे, भूमि के जो असली वास्तव में हकदार थे, अब उन्होंने अपने किराएदार को, यानी किराएदार का मतलब जो उनके कि यानी कि ज़मीनों को जो यूज करने वाले लोग थे, तो भूमि मालिक जो थे उन्होंने अपने किराएदारों को अपनी भूमि के 15% भाग पर, एरिया पर नील की खेती करने को विवश करते थे कि ये मेरे कब्जे में ज़मीन है, लेकिन वास्तविक रूप से तो किसानों की थी, और उसके 15% एरिया पे तुम्हें इंडिगो बोना पड़ेगा, 50% एरिया पे तुम्हें नील की खेती करनी पड़ेगी, इसके लिए किसानों को बाध्य कर दिया गया। और अगर वो उस ज़मीन को किराए पर नहीं लेंगे तो भूखे मरेंगे, ठीक है, तो ये बात उनको समझ में आई। और किराए के बदले में, और जो देखो 15% तो ये तो करना ही होगा ये काम तो, और जो किराया होगा उसके बदले में सारी फसल उन्हें सौंपने को कहते कि हमें ये सारी फसल सौंपेंगे, ये फसल हमें देंगे, फिर हमारी मर्जी है कि तुम्हें कितना परसेंट दें, मतलब जो मालिक है वो इस बात के बारे में तय करेंगे कि आपका कितना परसेंट उसमें होगा। ओके, दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और यह एक
लंबी अवधि के लिए होता था। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए? एक लंबी अवधि के लिए होता था, यानी कि 4-5 सालों के लिए, 6 सालों के लिए इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब क्या हुआ, वर्तमान में प्रेजेंटली लैंडलॉर्ड्स को इस बारे में पता लगा, ठीक है, क्या पता चला कि जो जर्मनी है तो जर्मनी के लोगों ने आर्टिफिशियल इंडिगो को डेवलप कर लिया है, उन्होंने आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिगो बनाना सीख लिया है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। अब उन्होंने क्या किया, जो बटाईदार हुआ करते थे, जो मालिकों से, जो किसान जमीन किराए के बदले लिया करते थे, उनसे ये लिखवा लिया गया था कि 15% जो समझौता है, जो जिस पे हमने ये कहा था कि इंडिगो बोई जाए, इंडिगो उगाई जाए, उससे हम मुक्त करने पर क्या करेंगे, उन्हें लगान देंगे। अब लगान देना होगा, यानी कि उसके बदले में उनको किराया देना होगा। वो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, 15% तो तुम्हारा इंडिगो वो तुम्हें नहीं बोना पड़ेगा, और हम तुम्हें कर देंगे 100% खेती, और 100% खेती में जो खेती होगी उसका कुछ परसेंट हमें हमें क्या कर देंगे, हम तुम्हें दे देंगे, यानी कि उसके बदले में हम तुम्हें पूरी किस खेती का क्या करेंगे, तुमसे किराया ले लेंगे, ठीक है। ऐसा तय कर लिया कि कहीं उन किसान हैं उनकी ज़मीनों को छोड़कर ना भाग जाए इस डर से। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इक्षम टू द पीजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली दोज हू रजिस्टर्ड एंगेज्ड लॉयर्स द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स। ओके, अब हुआ क्या कि बटाईदारी जो व्यवस्था बन गई थी, शेयर क्रॉपिंग जो अरेंजमेंट बना था, ठीक है, बटाईदारी व्यवस्था, तो कुछ किसानों के लिए ये बहुत ज़्यादा अक्षम वाली प्रॉब्लम थी, यानी कि बाध्य करने वाली, कष्टकारी प्रॉब्लम थी, ठीक है, दुख देने वाली थी। और जो अधिकांश जो लोग थे दोज हूँ रजिस्टर्ड, यानी कि जिन्होंने क्या कर दिए थे, रजिस्टर्ड एंगेज्ड लॉयर्स, ठीक है, द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने साइन वाइन वहाँ कर दिए, जिन्होंने इसकी खिलाफत भी की, इसका विरोध भी किया, ठीक है, यानी कि साइन भी किया उन्होंने अपनी मर्जी से ही, और साथ में उन्होंने फिर बाद में इसका विरोध भी किया, उन्होंने वकील भी किए, यानी वकील हायर किए, क्या हायर किए, वकील हायर किए, द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और जो जमींदार थे उन्होंने, जो ठग लोग थे उनको किराए पे ले लिया। मतलब किसान तो चले गए वकीलों के पास और जमींदार चले गए ठग लोगों के पास। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द लिटरेचर पीजेंट्स हु हैड साइन एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब क्या हुआ, इसी बीच में जो नील की खेती की जो सूचना थी, कैसी कृत्रिम नील की खेती की जो सूचना थी, वो कहाँ पहुँच गई, इलिटरेट पीजेंट्स के पास, अनपढ़ किसानों तक पहुँच गई, जिन्होंने दस्तखत किए हुए थे ज़मीन पर, और उन्होंने अपना पैसा वापस मांग लिया। अब वो क्या करने लगे, पैसा वापस मांगने की डिमांड करने लगे कि भाई हमें तो हमारा क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ओके, एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी दौरान गांधी जी चंपारण पहुंच गए। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, वहां आकर उन्होंने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, और सबसे पहले उन्होंने जो ब्रिटिश जमींदार संगठन के जो सचिव थे उनसे उन्होंने मुलाकात की। द सेक्रेटरी
टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। और जो सेक्रेटरी था, जो सचिव था, उन लोग उसने बताया कि वे किसी भी आउटसाइड पर्सन को जानकारी नहीं देंगे। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने कहा कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, कोई बाहर से आए हुए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। ओके, तो उसके पश्चात यानी कि नेक्स्ट जब गांधी जी आगे तिरहुत जो डिवीजन था उसके ब्रिटिश कमिश्नर से गांधी जी ने मुलाकात की, जो चंपारण के जनपद में ही आता था, यानी कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता था, चंपारण जिले के अंदर ही आता था। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ विद टू लीव तिरहुट। और अब उन्होंने क्या कहा, देखो उनसे भी मुलाकात की कमिश्नर साहब ने, कमिश्नर साहब ने गांधी जी को रिपोर्ट दी इस बारे में, और मुझे मारने धमकाने लगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम जल्दी से ऐसा करो, तिरहुत छोड़ दो, यानी कि तिरहुत से जाने को विवश करने लगे कि तुम ऐसा होगा कि तिरहुत से यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराऊंगा, और जो जिस विचार की फुलफिलमेंट के लिए तुम यहाँ पे आए हो वो तुम्हारा कभी भी पूरा नहीं होगा। ठीक है, गांधी जी डिड नॉट लिव, लेकिन गांधी जी हिले नहीं, मतलब गांधी जी वहाँ से गए ही नहीं। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। अब उसकी बजाय वो हो क्या गया कि मोतिहारी द कैपिटल ऑफ द चंपारण, तो चंपारण की राजधानी जो थी मोतिहारी, वो सीधे मोतिहारी को चले गए। कहाँ चले गए, मोतिहारी को चले गए। सेवर लॉयर्स एकम्पनीड हिम, कुछ वकील उनके साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड गांधी जी, और जो रेलवे स्टेशन के ऊपर विशाल जो संख्या थी, जनसंख्या थी लोगों की, उन्होंने गांधी जी का वेलकम किया। ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज ए हेडक्वार्टर्स, वहाँ वो एक घर में चले गए और उस घर को उन्होंने अपना ऑफिस बना लिया। ठीक है, कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और वहीं रुककर वो अपनी छानबीन चालू करने लगे। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन माल्ट्रेट इन ए नियर बाई विलेज। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अब हुआ क्या, गांधी जी तो अपने काम में लगे ही हैं, तो जैसे ही अब क्या हुआ नेक्स्ट कि एक रिपोर्ट उनके पास आ गई अब, और रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था कि जो नज़दीक का एक गांव है, नियर बाई जो एक गांव है, गांव जो पड़ता है, ठीक है, तो किसी किसान को वहां पर पीटा गया है। इस बारे में जो जानकारी थी वो गांधी जी को मिली, खबर मिली। गांधी जी ने वहां स्वयं जाने का विचार बना लिया कि मैं वहां जो है खुद जाऊंगा और वहां मामले की जांच करूंगा, सी यानी कि देखूंगा, मामले की जांच करूंगा। तो अगली ही सुबह उन्होंने क्या किया, गांधी जी की पीठ पर सवारी की, ठीक है, और वहां से चल दिए। गांधी जी ने क्या किया, पीठ जो हाथी की पीठ थी, हाथी की पीठ पर उन्होंने क्या किया, सवारी करना चालू कर दिया। सॉरी है ना, ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटोक हिम एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरीज। ओके, अब हुआ गया, ठीक है, गांधी जी चले गए हाथी की पीठ पर, एलिफेंट की पीठ पर चले गए। ठीक है, अब गांधी जी के तो हौसले बुलंद होते, कैसे रुक जाएगा गांधी जी, तो कुछ ही देर चले थे भाई साहब गांधी जी, यानी गांधी जी ज़्यादा दूर चले नहीं, गांधी जी ज़्यादा दूर गए नहीं। ठीक है, अब पुलिस जो कमिश्नर था, पुलिस जो सुपरिंटेंडेंट था, उसका एक मैसेंजर आया, और मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब जो संदेश देने वाला होता है,
और उसने आदेश दिया गांधी जी को कि तुम ऐसा करो, तुम वापस अपने कस्बे में चले जाओ, यानी कि अपनी गाड़ी पकड़ो और वापस यहाँ से लौट जाओ, रवाना हो जाओ। द मैसेंजर ड्रॉ गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस क्विट चंपारण इमिडिएटली। गांधी जी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रॉट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। तो अब इन्होंने क्या किया भाई जी, कि उन्होंने तो कहा मना कर दिया, तो गांधी जी ने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, मतलब उन्होंने किसी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं किया। तो गांधी जी वह यानी कि गांधी जी को वह अपने घर पर ले गया, कौन वो मैसेंजर, और उन्हें एक सर वहाँ ले जाकर उसको एक सरकारी ऑर्डर जो है वो दे दिया। और सरकारी ऑर्डर देने के बाद उन्होंने कहा कि फौरन चंपारण छोड़ दो। गांधी जी ने नोटिस पर हस्ताक्षर तो कर दिए, साइन तो कर दिए, पर यह लिख दिया उसमें कि वह इस आदेश की पालना बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो इस आदेश को नहीं मानेंगे कि मैं चंपारण छोड़ दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए विवश करो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो इस तरीके से गांधी जी के कुछ कमेंट थे, ठीक है। तो गांधी जी भी दबंग इंसान थे। नेक्स्ट है, ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक। अब अगली सुबह गांधी जी जो थे, सॉरी, इन कंसिक्वेंस, परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप, गांधी रिसीव्ड ए समन्स टू अपियर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। अब क्या हुआ, गांधी जी ने मना तो कर दिया, इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को कोर्ट से अगले दिन के लिए बुलावा आ गया, भाई तुम्हें कोर्ट में प्रस्तुत होना है। क्या आ गया, समन का मतलब होता है कोर्ट में प्रस्तुत होने का बुलावा आना, ठीक है, उसको समन कहा जाता है। तो उनको आ गया बुलावा, ठीक है। ही ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक। अब पूरी रात जो थे गांधी जी, रात भर जाग कर उन्होंने निकाली। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। अब उन्होंने जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको टेलीग्राम लिखा, यानी कि टेलीग्राम एक तार, मैंने बताया था आपको टेलीग्राम तार होता है, तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को उन्होंने तार भेजा कि वो जल्दी से जल्दी अपने जितने भी प्रभावशाली यानी कि इन्फ्लुएंशियल जो फ्रेंड्स हैं, जो उनके असली ताकतवर जो मित्र हैं, उनको लेकर जल्दी से बिहार से वो जल्दी से जल्दी लेकर आ जाए। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, और उन्होंने अपने आश्रम जो साबरमती गुजरात में बना हुआ था वहाँ पर भी उन्होंने कुछ निर्देश जो आदेश थे वो भेजे। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, और उन्होंने न्यायालय जो था, जो कोर्ट था, यानी कि वाइसरॉय यानी कि जो कोर्ट था, उसको भी पूरी की पूरी रिपोर्ट अपनी भेज दी, भाई इस तरीके से किसानों को पर अत्याचार हो रहा है, इस तरीके से नील की खेती हो रही थी, 15% काटा लेकिन फिर भी पूरा किराया वसूल किया जा रहा है, और पूरी खेती के ऊपर भी किसका हक, यानी कि जमींदारों का। तो इस प्रकार की जो भी यानी कि एक्सप्लोटेशन किसानों के साथ हो रहे थे उस रेफरेंस में एवरीथिंग वॉज रिटन बाई गांधी जी, तो गांधी जी के लिए वहाँ पे लिखा गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पिजेंस। अब सुबह होते होते क्या हुआ, जो मोतिहारी जो कस्बा था, मोतिहारी जो क्षेत्र था, वो किसानों से क्या हो गया, भर गया, यानी कि पूरा का पूरा ऐसा लग रहा था ब्लैक ब्लैक हो गया हो। दे डिड नॉट नो गांधी जीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, यानी कि उनको गांधी जी के साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता, गांधी जी कितनी बड़ी ताकत है। दे हैड मियरली हियर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल
विद द अथॉरिटी, वो तो सिर्फ उनको महात्मा समझ रहे थे कि कोई होगा बेचारा साधु संन्यासी गरीब आदमी, उनको क्या पता इस तरीके के व्यक्ति थे, क्या पता उनको वकील थे, क्या पता वो बहुबुद्धि मत्ता वाली व्यक्ति थे। तो इन सभी चीज़ों से वो क्या थे, अननोन थे। कौन? वहाँ की अथॉरिटीज़। ठीक है, तो उनको वास्तव में महात्मा गांधी के बारे में जो था वो कुछ नहीं पता था, केवल उन्होंने ये सुना था कि वो तो एक महात्मा हैं और वो उनकी सहायता करना चाहते थे किसानों की। ठीक है, और किनसे? जो अधिकारी उनको परेशान कर रहे थे उनसे। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। और उनके जो एकदम से तत्काल जो उन्होंने प्रदर्शन किया और हजारों की संख्या में लोगों ने अदालत को घेर लिया, और यहीं से उन अंग्रेज़ों के अंदर डर की शुरुआत होने लगी। उन अंग्रेज़ों के अंदर क्या हुई? डर की शुरुआत होने लग गई। ओके, नेक्स्ट है, द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस। ऑफिशियल्स, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ नाउन बन चुका है, भी नाउन कैसा, प्रॉपर नाउन बन चुका है। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जीज कोऑपरेशन। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। अब जो अफसर लोग थे, यानी कि मैंने क्या कहा, ये क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। तो अफसर लोग जो थे गांधी जी के सहयोग के बिना, अब गांधी जी का कोई सपोर्ट नहीं, वो पावरलेस हो गए। ठीक है, बिल्कुल पावरलेस हो गए। कौन? ऑफिसर लोग। कि अब तो अगर सपोज करो वकील क्या है वहाँ के, ऑफिशियल, और ऑफिशियल यानी कि अब गांधी जी आ गए किसानों को अपना न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, अब वो भी अपने आप को बेबस समझने लगे कि अगर गांधी जी नहीं है तो शायद हम किसानों को उनकी ज़मीन पर वापस से उनका अधिकार नहीं दिलवा सकते। ठीक है, तो इस बारे में वो सोचने लगे धीरे धीरे। तो बिना वो बिल्कुल कैसे हो गए, पावरलेस हो गए। और अब उन्होंने क्या किया, ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, कि उन्होंने भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए उनकी सहायता की गांधी जी ने। ही वॉज पोलाइट, वो विनम्र तो थे ही, फ्रेंडली मित्रवत भी थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट, और वो अपना क्या दे रहे थे, यानी कि उनको एक कंक्रीट माइट, एक असली अपनी ताकत दिखा रहे थे। ठीक है, क्या ताकत दिखा रहे थे? ही थॉट और डिडेड एंड अनक्वेश्चन्ड, कि अब उन्होंने अपने डर से, यानी कि अपनी ताकत से डर पैदा कर दिया और उनको क्या कर दिया, अनक्वेश्चन्ड कर दिया। यानी कि ऐसा भी नहीं रखा कि वो क्वेश्चन पूछ सकें, प्रश्न पूछ सकें, मतलब प्रश्नहीन बना दिया उनको। कुड बी चैलेंज्ड बाई इंडियंस। ठीक है, अब जो इंडियंस थे उनके द्वारा उन लोगों को चेतावनी दी जा सकती थी। अब इतना डर का माहौल बना दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड दैट द पैराग्राफ आई हैव टॉट यू, यू आर टू रिवाइज। ओके, एंड द मैटर आई एम प्रोवाइडिंग थ्रू द व्हाट्सएप, यू आर टू डू इन योर नोटबुक एज वेल एज यू कैन डाउनलोड द PDFs। ओके, बट यू आर टू लर्न एनीथिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।